अमरपाटन में तालाब में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया पर लड़कियों को बचाया नहीं जा सका। तालाब से दोनों बहनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के नैनाकरही गांव की है, जहां दो सगी बहनें पूजा पाठ की सामग्री रामदेवा तालाब में विसर्जन करने गई हुई थी। जब शाम तक दोनों बहनें अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी सूचना सरपंच और पुलिस को दी। रामपुर बाघेलन से विधायक विक्रम सिंह भी घटनास्थल पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस और सतना से एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद तालाब से दोनों बहनों के शव बरामद हुए। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना ये हुई कि मतलब हमारी दोनों भतीजी हैं, वो गई थी फूल माला को बहाने के लिए तालाब में। हम लोगों को शाम को जानकारी हुई है 5 बजे, जब घर नहीं आई हो तो हम लोगों ने अगल बगल गांव में तलाश किया उनकी, उनका कहीं पता नहीं चला। तो हम लोगों ने गांव के सरपंच को सूचना दी कि ऐसा हो गया है, और थाना अमरपाटन को भी हमने सूचना दिया, डायल 100 को और 181 को भी। तब पुलिस पहुंची हमारे यहाँ तालाब में। गांव के लोगों ने कोशिश किया लेकिन नहीं पता चला। फिर विधायक द्वारा गोताखोरों को सतना से बुलाया गया। गोताखोरों द्वारा बच्चियों को निकाला गया तालाब से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।